Hello everyone, welcome on my Physiowala, I'm your Dr. Sol. Once again we will discuss about digestive system. इसमें हमारा chapter होगा pancreatic secretions, इसका lecture number 4 है, ठीक है? Lecture number 4 इसलिए क्योंकि हम इससे पहले तीन chapter cover कर चुके हैं, तो first chapter को हमने lecture 1 दिया था, second chapter को lecture 2 दिया था, वैसे ही ये वाला जो chapter है ये lecture 4 है. तो इसका part first है, आगे बात करते हैं, pancreas. तो आपको इतना तो माइंड लगाना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस की, तो इसमें हमें एक स्टोरी टाइप से याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे पेनक्रियास, सेकंड पढ़ेंगे इसकी फंक्शनल एनाटॉमी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट बात करेंगे, इसके नर्व सप्लाई की, फिर इसकी कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है. इसके बाद इसका रेगुलेशन कैसे होता है, सेक्रीशन का रेगुलेशन, फिर बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी की और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो बात करते हैं सबसे पहले पेनक्रियास की. पेनक्रियास क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी में एक ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, ठीक है. ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट. तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों से रिलेटेड होता है. जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. ओके, आगे बात करें इसके सिचुएशन की या फिर इसके लोकेशन की. तो जो हमारा एब्डोमन रीजन होता है उसमें स्टोमक के पीछे की साइड बिहाइंड में सिचुएटेड होता है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास. तो इसकी फंक्शनल यूनिट की बात करें हम, तो फंक्शनल यूनिट किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है. पहला होता है एसिनस, दूसरा होता है इट्स डक्ट सिस्टम, जिसके डक्ट सिस्टम होता है. ये दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, इसकी फंक्शनल यूनिट होती है. तो जिसको नहीं पता है एसिनस का, तो आप मेरा सेलाइवरी सिक्रीशन वाला लेक्चर देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि क्या होता है एसिनस. ओके, तो आगे बात करते हैं इसका जो डक्टिव सिस्टम होता है, जो इसकी डक्ट्स होती है, जो एसिनस होता है, एसिनस एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसका ल्यूमन क्या होगा, जिसका अंदर का जो खाली वाला पार्ट होता है बलून में, जहाँ पर हम एयर भरते हैं उसको हम ल्यूमन बोल देते हैं, ठीक है. तो जो ल्यूमन होती है वहाँ से एक्सटेंड होती है, इसकी जो डक्ट होती है वो जाती है ड्यूओडेनम में, ओपन होती है. ड्यूओडेनम क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जो स्टोमक के जस्ट बाद स्टार्ट होता है. तो पहले सी टाइप जो होता है वो होता है ड्यूओडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम और लास्ट होता है इलियम. तो आगे बढ़ते हैं. डक्ट्स इन पेनक्रियास, तो स्मॉल डक्ट्स अराइज फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ एसिनस. जो छोटी छोटी डक्ट्स होती है वो ल्यूमेन से स्टार्ट होती है, ठीक है, एसिनस के ल्यूमेन से. उसके बाद क्या करती है, ये आपस में मिलती है, यूनाइटेड होती है और क्या बनाती है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट होती है ये सारी यूनिटेड मतलब इकट्ठी होती है और क्या बनाती है, ये किस में जाती है, ये मेन डक्ट फॉर्म करती है पेनक्रियास की, जिसको हम बोलते हैं वीरसंग डक्ट. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि पेनक्रियास की डक्ट कौन सी होती है, तो हम उसको बोलते हैं वीरसंग डक्ट. ओके, दिस इज वीरसंग डक्ट. ओके, तो जो वीरसंग डक्ट होती है ये कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है, ठीक है, और क्या बनाती है, वेटर ऑफ एम्पुला बनाती है, जो कहाँ पर ओपन होता है, ड्यूओडेनम में. ओके, नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई टू पेनक्रियास. तो पेनक्रियास में दोनों टाइप का नर्व सप्लाई होता है, सिंपैथेटिक भी होता है और पैरासिंपैथेटिक भी. सिंपैथेटिक की बात करें अगर हम, तो इसमें होता है स्प्लैंकनिक नर्व होती है. कौन सी होती है, स्प्लैंकनिक नर्व, जिसके थ्रू सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है. फिर बात करें पैरासिंपैथेटिक की, तो ये होता है वेगस नर्व के थ्रू. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस. तो बात करें प्रॉपर्टीज की, तो जनरली हम सारे चैप्टर्स में सेम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम, रिएक्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज में यही तीनों चीज़ें पढ़ना है. तो वॉल्यूम की बात करें तो 500 टू 800 ml पर डे सिक्रीशन होता है, ठीक है. रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन होती है हाईली एल्कलाइन होती है, मीन्स pH वैल्यू 8 to 8.3. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 1.010 to 1.018. कंपोजिशन का चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लेना ठीक से, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा है नहीं. आगे बढ़ते हैं. फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस की अगर बात कर ले हम, तो जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है मेनली, मतलब मेजर फंक्शन जो होते हैं, पहला होता है डाइजेस्टिव फंक्शन, दूसरा होता है न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन, ठीक है. बात करें हम डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें, तो डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होगा इसका, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करता है डाइजेशन में। किसका किसका डाइजेशन करता है? ये प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का, तीनों का डाइजेशन करता है। इसमें अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कैसे करेगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, जो क्या होता है, मतलब ये एक एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे सेलाइवा में सेलाइवरी एमाइलेज होता है, कुछ उस टाइप से होता है ये। ये भी क्या करता है, स्टार्च को डेक्सट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बात कर लेते हैं हम डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की। तो एक लिपोलाइटिक एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूस में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज बोल देते हैं। इसके अलावा इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फिर होता है मतलब और भी होते हैं, तो होता है फॉस्फोलाइपेज ए होता है, फॉस्फोलाइपेज बी होता है, कोलिपेज होता है, बॉयल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड में। तो हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पेनक्रियाटिक लाइपेज की। तो ये पावरफुल लिपोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। फिर ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में, ओके। और जो पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसकी एक्टिविटी जो एक्सीलरेट होती है, कैसे होती है, प्रेजेंस ऑफ बाइल में। अगर बाइल जूस प्रेजेंट है तो इसकी एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, एक्सीलरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए होता है, 7 to 9। आगे बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट की। पेनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू हमको अगर फैट का डाइजेशन करना है तो हमको दो फैक्टर और लगेंगे। पहला होता है बाइल सॉल्ट, दूसरा होता है कोलिपेज, ओके। तो अगर हम पर बाइल सॉल्ट की बात करें, तो बाइल सॉल्ट क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन पता है आपको क्या होता है, कभी हाथ पे ऑयल लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना और उसको हाथ पे रब कर लेना, तो जो कुछ डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना पानी की बूंदों का, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और जो दूसरा होता है कोलिपेज, वो क्या करता है, डाइटरी लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, ओके। हमारी बॉडी में अप्रोक्स 80% फैट को डाइजेस्ट करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। और अगर इसकी एब्सेंस या फिर कमी हो जाए तो एक कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं स्टीटोरिया, ओके। जैसे डायरिया होता है ना, वैसे स्टीटोरिया होता है। ये कंडीशन कब बनती है, जब हमारी बॉडी में पेनक्रियाटिक लाइपेज की एब्सेंस या फिर कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, ओके। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को फ्री कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी एसिड, मतलब फ्री कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, बाय हाइड्रोलिसिस, ओके। नेक्स्ट इज फॉस्फोलाइपेज ए। अब ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिन के थ्रू एक्टिवेट होता है, ओके, और ये फॉस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। आगे एक टेबल है, उसमें सारे जितने भी मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ लिपिड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें जितने भी आपको एंजाइम्स वगैरह हैं वो सारा कुछ डिटेल होगा, तो इसको देख लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की। तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स में, ओके। राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका, एसिनार सेल्स का, ओके। क्या बोला मैंने, हम बात कर रहे हैं सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की, ओके। हमारे पास है सबसे पहले एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स के अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है राइबोसोम्स, जो क्या कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं एमिनो एसिड्स के थ्रू, ठीक है। एमिनो एसिड इनको कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है ब्लड से। आगे बात करते हैं जो एंजाइम्स है, इनको इन्होंने पैक्ड करा किसमें, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में। किसके थ्रू करा, गोल्जी एपरेटस के थ्रू। गोल्जी एपरेटस ने जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बन गए थे उनको जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में पैक्ड कर दिया, ओके। और कहाँ पर स्टोर कर दिया, साइटोप्लाज्म में। अब आगे क्या होगा, जब एसिनार सेल्स स्टिमुलेट होगी तो जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स थे
वो पैंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज हुए जाए मतलब करे जाएंगे, और फिर पैंक्रियाटिक डक्ट से जो ग्रेन्यूल्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ज़रूरत होती है CO2 की, जो हम कहाँ से डिराइव करते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनसे, और कुछ करते हैं हम ब्लड से। ओके, इसमें उसके बाद होता है जो CO2 होती है वो जाती है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, ठीक है, H2O। CO2 प्लस H2O होता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हमें CO2 की ज़रूरत थी, CO2 हमने उठाई या फिर कलेक्ट करी कहाँ से, मेटाबॉलिक प्रोसेस से, और सेकेंड क्या था, ब्लड से। दो जगह से CO2 कलेक्ट करी, उसके बाद CO2 कहाँ गई, सेल के अंदर पहले से कौन था, H2O था। CO2 प्लस H2O क्या बना, कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। ये फर्स्ट पॉइंट। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कार्बोनिक एसिड जो था वो एक मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है। ओके, तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन्स में। अब जो बायकार्बोनेट आयन था जो अभी जस्ट स्प्लिट होकर बना है, वो क्या होगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, आउटसाइड द सेल से बाहर में, ल्यूमेन में। ओके, सेल से बाहर साइड पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो हाइड्रोजन था इसको हम कहाँ भेजेंगे, ब्लड में। ओके, क्या क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें CO2 की जरूरत होती है, CO2 कहाँ से मिली हमें, ब्लड से और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस से। CO2 गई सेल के अंदर प्रेजेंट था H2O, H2O प्लस CO2 बना कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में बना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला, कार्बोनिक एसिड जो बना था वो मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और बायकार्बोनेट आयन में। बायकार्बोनेट आयन जो था वो कहाँ जाएगा, सेल से बाहर की साइड जाएगा, ल्यूमेन में, और जो हाइड्रोजन था वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और ब्लड से कौन आएगा, सोडियम आयन अंदर आ जाएगा सेल के अंदर। ओके, अब बात करते हैं आगे, जो सोडियम आयन था, अब सोडियम आयन को हम सेल के अंदर से ल्यूमेन में ट्रांसफर कर देंगे, तो ल्यूमेन में पहले से कौन अवेलेबल है, बायकार्बोनेट, और हमने अभी किसको भेज दिया, सोडियम को भी भेज दिया। तो वो क्या करेगा, जो बायकार्बोनेट था वो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनेगा, सोडियम बायकार्बोनेट। ओके, कहाँ पर बना, ल्यूमेन में। आगे बात करते हैं, अब क्या हुआ, हमारे ब्लड में किसकी किसकी कमी हो गई, बायकार्बोनेट की और सोडियम की, क्योंकि इन्होंने क्या बना, सोडियम बायकार्बोनेट बना लिया। तो ब्लड में सोडियम और बायकार्बोनेट की कमी होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्लड में वाटर था वो ब्लड को छोड़कर ल्यूमेन में आ जाएगा, और ल्यूमेन में आने के बाद क्या करेगा, वो बायकार्बोनेट के साथ में कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्यूशन ऑफ बायकार्बोनेट। ओके, ये था हमारा सिक्रीशन ऑफ बायकार्बोनेट आयन का मैकेनिज्म। ओके, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से, क्या क्या बोला था। तो मैकेनिज्म ऑफ जो सिक्रीशन ऑफ बायकार्बोनेट की जो मैकेनिज्म है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है CO2 हमें कहाँ से मिलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से और ब्लड से, ठीक है। CO2 कलेक्ट किया, सेल के अंदर आए तो क्या क्या हुआ, CO2 प्लस H2O हुआ, क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। किसकी प्रेजेंस में बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में बना। उसके बाद कार्बोनिक एसिड जो था वो मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, स्प्लिट हुआ H+ और बायकार्बोनेट आयन में। बायकार्बोनेट आयन क्या हुआ, इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया कहाँ, सेल से ल्यूमेन में। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करा, ब्लड में, और ब्लड से सोडियम को अंदर लिया सेल के अंदर, सेल से वापस ट्रांसपोर्ट करा सोडियम को कहाँ पर, ल्यूमेन में गया, तो सोडियम और बायकार्बोनेट दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम बायकार्बोनेट। अब क्या हुआ, हमारे ब्लड में कमी हो गई किसकी, सोडियम और बायकार्बोनेट की, तो जो हमारा ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हुआ। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करा हमने, जो ब्लड में वाटर था वो ब्लड को छोड़कर ल्यूमेन में चले गया, ठीक है। ल्यूमेन में जाकर क्या करा इसने, बायकार्बोनेट के साथ में कंबाइन करा और क्या बनाया, सॉल्यूशन ऑफ बायकार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन।
तो ये दोनों टाइप के मतलब दो टाइप से होता है इसका रेगुलेशन, पहला होता है नर्वस और दूसरा होता है हार्मोनल फैक्टर्स। अब हम इसमें बात कर लेते हैं फेजेस की, फेजेस ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिफेलिक फेज, सेकेंड होता है गैस्ट्रिक फेज, थर्ड होता है इंटेस्टिनल फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिफेलिक फेज की। तो हम बात करें अगर केस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन की, तो जो सिफेलिक फेज होता है वो रेगुलेट होता है बाय नर्वस मैकेनिज्म। ओके, कौन सी नर्वस मैकेनिज्म? थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, अब रिफ्लेक्स एक्शन में भी इसमें दो टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, पहला होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स, दूसरा होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। और जो सिफेलिक फेज होता है इसमें टोटल अमाउंट जो होता है पैनक्रियाटिक जूस का, उसका कम मतलब 20% अमाउंट सिक्रेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स की। अनकंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है? जो हमें इनबोर्न मिला है, ठीक है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम्हारे अंदर जो रिफ्लेक्स है वो है अनकंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे अगर हम माउथ में फूड को प्लेस दे करते हैं, रखते हैं, तो सलाइवा का सिक्रेशन अपने आप होने लगता है। ओके, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जो हमने गैस्ट्रिक सिक्रेशन पढ़ा था उस चैप्टर में, तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हो आप लोग। तो जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स है वो हमें इनबॉर्न मिलता है, जैसे हम फूड को प्लेस्ड करते हैं माउथ में तो सेलाइवा का सिक्रेशन ऑटोमेटिक होने लगता है। ओके, फिर बात करते हैं हम इसके सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फूड का प्रेजेंस हमारे माउथ में, जो क्या करता है हमारे टेस्ट बर्ड को और जो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं माउथ में उनको स्टिमुलेट करता है। सेकेंड होता है सेंसरी। सेंसरी इम्पल्स क्या होती है? हमारे अंदर दो टाइप के इम्पल्स होती है, पहली होती है सेंसरी इम्पल्स, दूसरी होती है इफरेंट या फिर मोटर इम्पल्स बोलते हैं हम जिनको, ठीक है, इफरेंट या मोटर। तो बात करते हैं सेंसरी की। तो सेंसरी क्या होता है, मतलब सेंसेशन पता है आपको? ये जो सेंसरी हमारा होता है, सेंसरी इम्पल्स, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस तक जाता है। और जो अगर बात करें हम इफरेंट इम्पल्स की, तो ये स्टार्ट होता है मतलब ये जाता है हमारे पेंक्रियाटिक एसिनाई तक, ठीक है, किसके थ्रू जाता है? वेगल इफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। आगे बात करते हैं वेगल इफरेंट नर्व एंडिंग की, जो एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करता है जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनकंडीशन रिफ्लेक्स का सिक्वेंस क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलेंगे हम इसमें? बोलेंगे पहला सिक्वेंस क्या होगा, सिक्वेंस में फर्स्ट पॉइंट होगा प्रेजेंस ऑफ फूड, ठीक है, कहाँ पर? माउथ में, जो क्या करेगा हमारे टेस्ट बर्ड्स को और जो दूसरे रिसेप्टर है माउथ में उनको स्टिमुलेट करेगा। सेकंड बात करें इसके हम कौन कौन से इम्पल्सेस होती है, दो टाइप की इम्पल्सेस होती है, पहली सेंसरी, दूसरी होती है मोटर या फिर इफरेंट। ओके, तो सेंसरी में कौन होता है? डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और इफरेंट में होता है वेगल नर्व, ठीक है। उसका करें वेगल नर्व क्या करती है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, वेगल नर्व जो है वो एंडिंग, वेगल नर्व की जो एंडिंग है वहाँ पर एसिटाइलकोलाइन सिक्रेट होता है, जो क्या करता है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अगले आगे बात करते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स की। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब वो होता है जो हमारी किसी पुरानी मेमोरी के मतलब मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे आपने अगर पानी पूरी खाई तो आपको उसका टेस्ट याद रह गया, इन फ्यूचर कभी आप पानी पूरी की बात करोगे तो आपको उसका टेस्ट याद आएगा और आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। तो इसमें हम सिक्वेंस की बात करें, सिक्वेंस क्या होगा इसका? तो इसमें हमारे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं आई, ईयर, नोज, मतलब आपने खाने के बारे में सुना या देखा या फिर उसे स्मेल किया, तो इसकी जो इम्पल्सेस होगी वो कहाँ से पास होगी? तो जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसका जो न्यूरल सर्किट होता है, ठीक है, उसके एफरेंट फाइबर के थ्रू, ठीक है, एफरेंट फाइबर ऑफ न्यूरल सर्किट टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर जो हम मतलब फूड की कभी थिंकिंग करते हैं तो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अब इम्पल्स से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक आ गई है तो यहाँ से आगे कहाँ जाएगी? तो पहले आएगा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, सेकेंड आएगा वेगल इफ्रेंट, ठीक है, और कहाँ पर पहुँचेगी? पेंक्रियाटिक एसिनाई तक। आगे जो वेगल नर्व एंडिंग थी ये फिर से एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करेगी, जो क्या करेगा पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। ओके, दोनों क्लियर, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स, उनका सिक्वेंस। आगे बात करते हैं गैस्ट्रिक फेज की। गैस्ट्रिक फेज क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस व्हेन फूड इंटर्स द स्टोमक, जब खाना स्टोमक में जाएगा तो पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होगा, इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज, ठीक है।
ये जो फेज होता है गैस्ट्रिक फेज, ये हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में होता है, ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। इसमें कौन सा हार्मोन होता है, इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। और इसमें सारे मतलब जिसे हमारा सिफेलिक फेज में टोटल अमाउंट का कितना 20% हो रहा था, तो गैस्ट्रिक फेज में टोटल अमाउंट का 10% सिक्रीशन होगा। ओके, जब स्टोमक में फूड की एंट्री होती है तो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिन जैसे ही सिक्रीट हुआ, ये क्या करेगा, जाएगा ब्लड के पास, ब्लड के थ्रू जाएगा पेंक्रियाज में, और पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन के लिए। और जो पेंक्रियाटिक जूस होता है ये एंजाइम में रिच होता है, मतलब इसमें एंजाइम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं इंटेस्टिनल फेज की। तो इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है, इसका मतलब वो होता है कि हम जब जो काइम होता है, काइम मतलब जो बोलस आया था इसोफेगस से, उसमें जब गैस्ट्रिक जूस का मिक्सअप हो गया तो उसको हम काइम बोलते हैं। तो काइम जब स्टोमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक सिक्रेशन हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल फेज। ओके, जब काइम इंटेस्टाइन में गया तो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन हुआ इंटेस्टाइन में। ये प्रोसेस किसके कंट्रोल में होती है, ये भी हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस होती है। जैसा हमने पढ़ा था कि सिफेलिक फेज में 20% सिक्रेशन हुआ था पेंक्रियास का, पेंक्रियाटिक सिक्रेशन 20%, गैस्ट्रिक में 10%, वैसे इंटेस्टिनल फेज में 70% अमाउंट होता है सिक्रीट। ओके, उसके बाद आगे आता है, कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं इसमें जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ होते हैं जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। तो स्टिमुलेट करने वाले कौन कौन से हैं हॉर्मोन, पहला है सिक्रेटिन और दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं, इनहिबिट करने वाले कौन कौन से होंगे, तो पहला है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम पीपी बोलते हैं, ठीक है। ये सिक्रेट कहाँ से होता है, तो पीपी सेल्स के थ्रू सिक्रेट होता है। पीपी सेल्स कहाँ पे होती है, जो हमारे आइसलेट्स होते हैं लैंगरहैंस के, ठीक है, पेंक्रियास में जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उसके अंदर होता है पीपी सेल्स, और पीपी सेल्स सिक्रेट करती है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, सेकेंड होता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, ये किसके थ्रू सिक्रेट होता है, ये होता है डी सेल्स। ओके, ये भी होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। नेक्स्ट आता है पॉलीपेप्टाइड वाईवाई। ओके, पेप्टाइड वाईवाई जो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा। नेक्स्ट है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड कौन कौन से, ग्रेलिन हो गया और लेप्टिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। तो पेंक्रियाटिक जूस का कलेक्शन हम बात करें इन एनिमल्स, तो कैसे होता है, ये एनिमल्स में जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है और जो एब्डोमिनल वॉल की ओपनिंग होती है, इन दोनों के बीच में फिस्टूला को कनेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू पेंक्रियाटिक जूस को कलेक्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इन ह्यूमंस, ह्यूमन बींग में कैसे हम कनेक्ट करेंगे। ह्यूमन के लिए एक मल्टी ल्यूमेन ट्यूब होती है, जिसको हम ह्यूमन के माउथ या फिर नोज के थ्रू उसको अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाती है वो, स्टोमक तक जाती है। स्टोमक में कहाँ, तो जो एम्पुला ऑफ वेटर होता है वहाँ तक, ठीक है, जहाँ पर स्टोमक और ड्यूडेनम जॉइंट हो रहा है वहाँ तक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो जो ट्यूब हमने अंदर डाली है उसमें एक मार्किंग होती है, ठीक है, वो मार्किंग हमारे जब माउथ तक आती है तो फिर हम ट्यूब को अंदर पुश करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो ट्यूब होती है उसमें हमारे पास तीन ल्यूमेन होते हैं, तो तीन में से हम दो को प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो दो बलून थे, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर के जो दो बलून थे उनका एरिया बढ़ता है, तो जो एम्पुला था उसका भी साइज इनलार्ज हो जाता, बढ़ जाता है। तो जो मिडिल वाला ल्यूमेन होता है वो एस्पायरेशन के थ्रू जो पेंक्रियाटिक जूस था उस वेटर ऑफ एम्पुला में, वहाँ से पेंक्रियाटिक जूस को कलेक्ट कर लेता है और हम जो ट्यूब थी उस ट्यूब को वापस बाहर निकाल लेते हैं। ओके, ये हो गया कलेक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इन ह्यूमंस। आगे बढ़ते हैं, पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन टेस्ट। तो इसमें हम तीन टाइप के टेस्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड टेस्ट,
जिसमें दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एमाइलेज टेस्ट, दूसरा होता है सीरम लाइपेज टेस्ट। सेकेंड होता है लॉन टेस्ट और थर्ड होता है स्टूल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है पेनक्रियाटाइटिस। तो पेनक्रियाटाइटिस जो टाइटिस वर्ड होता है ना, इसको हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं, शोथ बनना, सूजन आना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियास की जो फंक्शनल यूनिट थी, जिसको हम एसिनास या एसिनी बोलते हैं, एसिनाए, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये होता तो बहुत रेयर है, बट बहुत डेंजरस डिसीज़ होती है। ओके, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। पहले बात कर लेते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है और डेवलप कैसे होती है, एकदम रैपिडली, एकदम जल्दी से डेवलप हो जाती है ये। ठीक है, इसके कॉजेज़ की बात करें तो उसके कॉजेज, दो मेजर कॉजेज होते हैं इसके। पहला होता है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कंज्यूम करना। सेकेंड होता है गॉल स्टोन, ओके, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाना। इसके फीचर्स की बात कर लें तो फीचर्स क्या क्या होंगे, पहला है सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन। सेकेंड होता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। थर्ड इज फीवर एंड फोर्थ इज शॉक, शॉक लगना। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की। तो ये एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। ठीक है, इसके बाद इसके कॉजेस की बात कर लें तो लॉन्ग टाइम कंजप्शन ऑफ एल्कोहल से होता है ये। देन आगे बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स क्या है, टेंडर एंड स्वेलन एब्डोमन, ठीक है, और वेट लॉस, ये इसके फीचर्स हो गए। आगे बात करते हैं स्टीटोरोइया की। जैसे डायरिया होता है ना, वैसे स्टीटोरोइया होता है डिसीज। हमारी बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फैट बढ़ने लग जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टीटोरोइया। ओके, इसके कॉजेस की बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, सीलिएक डिसीज होता है। ओके, इनसे हमको स्टीटोरोइया हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।